हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कैपेक्स। तो गाइस, पहले मुझे ये बताओ कि कौन कहता है यार कि ईवी अफोर्डेबल नहीं है। आज हमारे सामने खड़ा है इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल ईवी टाटा टियागो, और आज हैं हम आर ए टाटा मोटर्स मेहरोली गुड़गांव रोड में, एंड आज हमारे पास है टियागो ईवी का एक्सटी वेरियंट। तो ये कार दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है। एक आती है 19.2 किलोवाट बैटरी ऑप्शन के साथ, एंड दूसरी कार आती है 24 किलोवाट बैटरी ऑप्शन के साथ। ये जो वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है, ये इसका 24 किलोवाट बैटरी वाला वेरिएंट है, और ये वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा 10.82 लाख। जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, ये ऑन रोड प्राइस है और ये दिल्ली के लिए प्राइस है। हरियाणा में आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, तो हरियाणा में आपको इसके प्राइस थोड़े ज़्यादा पड़ेंगे। तो गाइस, टियागो ईवी स्टार्ट होती है 9.18 लाख ऑन रोड प्राइस के साथ, जो कि इसके एक्सी वेरिएंट का प्राइस है, जिसमें आपको 19.2 किलोवाट की बैटरी मिलती है। तो यार, अगर आप प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखोगे ना, तो इस समय ये कार इंडिया की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कार है ईवी सेगमेंट में। तो यार, ये जो वेरिएंट आप हमारे सामने देख रहे हो, ये इसका 24 किलोवाट वाला वेरिएंट है, और इसकी जो रेंज है वो है 315 किलोमीटर, और जो इसका दूसरा वेरिएंट है उसकी रेंज आती है 250 किलोमीटर। इसमें आपको हाइलोजन लाइट का सेटअप मिलता है, और ये जो ब्लू स्ट्रिप देख रहे हो ना आप, ये ब्लू स्ट्रिप इंडिकेट करती है कि ये जो कार है ना, ये ईवी है। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा टाटा का ट्राई आरो पैटर्न, कार के सेंटर में टाटा की बैजिंग। अगर आप नीचे आओगे तो रेडिएटर ग्रिल मिलेगी, उसमें सेम टाटा का टायर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हॉर्न की प्लेसिंग की गई है, और यह है कार का फ्रंट लुक। एंड इस कार में आपको फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलेंगे, फॉग लैम्प इसके आपका अपर मॉडल में देखने को मिलेंगे, इस मॉडल में फॉग लैम्प नहीं आते हैं। ओवरऑल कार फ्रंट से काफ़ी अच्छी लगती है, एंड पर्टिकुलर मेरे को तो इसकी फ्रंट लुक काफ़ी अच्छा लगता है इस कार का। बात की जाए कार के साइड प्रोफाइल की, तो आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल से भी कार काफ़ी अच्छी लगती है। कार में जो आपको टायर साइज मिलता है, वो मिलता है 175/65 R14। इसमें आपको 14 इंच के टायर मिलते हैं, एंड इसके साथ व्हील कैप प्रोवाइड किया जाता है। तो ओवरऑल इस कार में आपको गाइस स्टेपनी देखने को नहीं मिलेगी, इस कार में आपको एक्स्ट्रा टायर स्टेपनी नहीं मिलती है। उसका रीज़न ये है बिकॉज जो बैटरी की प्लेसमेंट की गई है, वो उस जगह पे की गई है जहाँ पे आपकी स्टेपनी नॉर्मली होती है, तो इसीलिए आपको इस कार में स्टेपनी देखने को नहीं मिलेगी। पंचर रिपेयर किट इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो इफ़ इन केस ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप पंचर रिपेयर किट से अपना पंचर लगा के आगे अपना ट्रैवल कर सकते हो। कार में आपको सेम बॉडी कलर में डोर हैंडल देखने को मिलेंगे, सेम बॉडी कलर के डोर हैंडल दिए गए हैं कार में। इसके साथ साथ ब्लैक ग्लॉसी कलर में आपको ORVM मिलेगा, और यहीं पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी है। ये ORVM इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, तो आप इसको अंदर से एडजस्ट कर सकते हो ORVM को। और अगर मैं बात करूं कि इस कार में आपको कितनी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो यार इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की गई है कंपनी की तरफ से, वो करी गई है 166 mm। तो 166 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस कार में देखने को मिलेगी। एंड अब चलते हैं कार के बैक प्रोफाइल में, और देखते हैं कि कार बैक प्रोफाइल से देखने में कैसी लगती है। तो गाइज, ये है कार का बैक प्रोफाइल। अगर बात की जाए इसके बैक प्रोफाइल की, तो इसमें आपको सेम हाइलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा बैक प्रोफाइल में भी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टियागो ईवी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, टाटा का बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। आपको इसमें डिफॉगर और वाइपर नहीं मिलता, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिल जाएगा देखने को। इसके अलावा इस कार में आपको रियर सेंसर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको दो रियर सेंसर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको दो रियर सेंसर की प्लेसिंग यहाँ पे है। इसके अलावा बात करें कार के बूट की, तो बूट एक्सेस के लिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा, बूट आपको अंदर से एक्सेस करना पड़ेगा। तो चलिए इसका बूट एक्सेस करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको बूट एक्सेस के लिए यहाँ पे की मिल जाएगा, आप यहाँ से बूट अपना एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका बूट एक्सेस आपको कार के अंदर से ही करना पड़ेगा, या फिर आप की से बूट एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज, इस कार में आपको 240 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, एंड ये जो बूट स्पेस है 240 लीटर का, आई गेस काफ़ी इनफ है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, इस कार में आपको स्टेपनी नहीं मिलती, बिकॉज जो स्टेपनी की जो जगह है वहाँ पे इस कार में बैटरी प्लेस की गई है। मैं आपको उसकी प्लेसमेंट दिखाता हूँ, बैटरी की प्लेसमेंट एग्जैक्टली वहाँ करी गई है जहाँ पे इसका स्टेपनी रहती है। तो यहाँ पे स्टेपनी की जगह बैटरी प्लेस हुई है, इसीलिए इस कार में आपको स्टेपनी नहीं मिलती। इसमें आपको हुक मिल जाएंगे, आप अपना सामान इजीली इसमें कैरी कर सकते हो, और 240 लीटर का बूट स्पेस आई गेस इनफ है छोटी फैमिली के लिए। हैचबैक कार है तो छोटी फैमिली के लिए 240 लीटर का बूट स्पेस इनफ है। तो ये तो रहा इसकी बूट स्पेस, अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कि कार अंदर से कैसी है।
तो अगर आप अंदर से कार देखोगे तो कार का जो इंटीरियर है वो ड्यूल शेड यूज़ किया गया है, ब्लैक एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ दी गई है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर देखने को मिल जाएगा। एंड इस वेरिएंट में आपको सीट एडजस्टेबल का फीचर देखने को नहीं मिलेगा, इस वेरिएंट में सीट एडजस्टेबल का फीचर नहीं आता है। एंड अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कार को अंदर से। तो यार अंदर से आपको कुछ इस तरह से कार का इंटीरियर देखने को मिलेगा। बात करूँ विजिबिलिटी की तो आपको ज़्यादा बोनेट दिखेगा नहीं, बिकॉज हैचबैक कार है तो हैचबैक में विजिबिलिटी ऐसी ही रहती है। एंड इंटीरियर वाइज कार अच्छी लगती है, ड्यूल शेड जो यूज़ किया गया अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ की गई है कार में। एंड ओवरऑल आपको लगेगा नहीं बट कार का इंटीरियर काफ़ी बल्की लगता है कार का डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है, इस कार में आपको 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है एंड यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। एंड इसके अलावा बात करते हैं कार के स्टेयरिंग की, तो ये स्टेयरिंग जो आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग इसमें दिया गया है। एंड ये जो मिलता है ना टाटा के स्टेयरिंग में जो ग्रिप मिलती है ना यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको म्यूज़िक के सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, क्रूज़ कंट्रोल इसमें आपको नहीं भी देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ORVM के कंट्रोल्स, तो यहाँ से आप अपने ORVM को अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM इस मॉडल में आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको विंडोज़ के कंट्रोल दिए गए हैं। एंड अब बात करें गाइस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे जो आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पे आपको रेंज शो करेगा कितने किलोमीटर की रेंज आपको इसमें है, क्या आपकी बैटरी कंडीशन है, तो आपको सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको आपको इस EMID में देखने को मिल जाएगी। तो फुली डिजिटल EMID इसमें आपको मॉडल में दी गई है। कार के AC वेंट्स में आपको ब्लू कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिलेगी। कार का जो म्यूज़िक सिस्टम है उसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ स्टीरियो है इसका। एंड इसमें आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट देखने को भी मिलता है। इसके साथ साथ कार की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको स्टीरियो में देखने को मिल जाएगी। एंड इसके नीचे ही आपको EV से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपको चार्जर को लॉक करने का कंट्रोल भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे आपको AC कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, इसमें ऑटोमेटिक AC आपको दिया गया है। इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिलेगा, टाइप सी का सॉकेट और 12 वाल्ट का सॉकेट देखने को यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको उस कार के सारे ड्राइव मोड देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज EV कार है तो यहाँ पे ड्राइव मोड्स आपको सारे देखने को मिल जाएंगे इस कार। इसके नीचे ही हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट की गई है। एंड बात करूँ यार कार के सीट कंफर्ट की, तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग है, ओवरऑल कंफर्ट वाइज कार की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड इस कार में आपको डे नाइट RVM देखने को मिल जाएंगे। एंड ड्राइवर साइड आपको कार्ड होल्डर देखने को मिल जाएगा। एंड पैसेंजर साइज आपको यहाँ पे वैनिटी देखने को नहीं मिलती है। अब बात करें इस कार में आपको 3 grab हैंडल दिए गए हैं, ड्राइवर साइड आपको कोई भी ग्रैब हैंडल देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल कार का डैशबोर्ड काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी सिंपल सोबर रखा गया है, जो देखने में अच्छा लगता है। एंड अब चलते हैं कार की रियर प्रोफाइल में एंड देखते हैं कार का रियर कंफर्ट कैसा है एंड कार रियर में कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अब हम आ गए हैं कार की रियर सीट पे। एंड बात करूँ यार कार में रियर सीट में जो लेग रूम मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल रहा है कार में, डिसेंट लेग रूम है। यहाँ पे थोड़ा सा हम्प दिया गया है। एंड बात करूँ यार तो जो कार का रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है एंड सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इस कार में 2 एडल्ट और 1 बच्चा आराम से बैठ सकते हैं एंड कंफर्ट वाइज भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे एक रीडिंग लैम्प दिया गया है एंड रीडिंग लैम्प में आपको LED दिया गया है, तो अच्छी आपको लाइट मिलेगी यहाँ से। एंड बात करूँ तो यार सिटिंग कंफर्ट रियर में भी काफ़ी अच्छा है एंड कॉम्पैक्ट साइज़ की कार है, तो इसका सिटी में तो काफ़ी अच्छी है ही ये कार, बट हाईवे में भी ये काफ़ी ज़बरदस्त स्टेबिलिटी आपको देती है। एरोडायनेमिक्स वाइज से भी ये कार काफ़ी अच्छी है एंड जब इसको हाईवे पे चलाओगे तो काफ़ी अच्छी आपको स्टेबिलिटी देती है। अब चलते हैं कार के बाहर और बाहर जाके बात करते हैं कुछ कार के बारे में। तो गाइस पहली बात, इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी EV कार इस समय ऑफर नहीं की जा रही है। एंड ये जो सेगमेंट है ना हैचबैक सेगमेंट जिसमें ये कार आती है, इसका आने वाले सालों में भी इसका कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज इस सेगमेंट के लिए अभी कोई कंपनी प्लान नहीं कर रही है। सिट्रॉन की एक कार आई है EV कार, बट वो कंपटीशन में अभी काफ़ी पीछे है। टियागो EV में आपको 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, तो अगर आप भी अपने लिए पॉकेट फ्रेंडली कार ढूंढ रहे हो ना, तो दिस इज़ द कार फॉर यू।
जाओ और इस कार को ऑप्ट करो यार। मैं कॉन्टैक्ट पर्सन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। एंड मेरी मानो तो ईवी इज द फ्यूचर, एंड गाइस दिस इज द बेस्ट अफोर्डेबल कार इन द मार्केट। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।